Former Indian shooter and Arjuna Awardee Suma Shirur is confident of India's performance in the upcoming 2020 Tokyo Olympics. The 2002 Commonwealth Games gold medalist is hopeful of 2/3 medals from Indian star-studded Indian shooting contingent. बस मैंने कहा है कि अगर हम पिछले साल के हमारे रिकॉर्ड को देखें तो इंडिया सारे वर्ल्ड कप्स में टॉप मेडल टैली में टॉप किया है इंडिया ने तो अगर उस स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो डेफिनेटली इस साल ओलंपिक्स में मैं बहुत होपफुल हूँ कि इंडिया 2-3 मेडल तो ला सकती है. द जूनियर टीम कोच सेड द इंडियन टीम इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट द मेडल कंटेंडर्स फॉर इंडिया एट द ओलंपिक्स. अभी ऐसा है ना हमारा इंडियन टीम पहले जैसे स्टार्स होते थे एक स्टार हो गया सारी सभी सिर्फ एक स्टार पे उम्मीद करके बैठते थे अभी वैसा नहीं है अभी हमारे पास कई स्टार्स हैं तो एक्चुअली जो इंडिया की शूटिंग टीम है इट्स अ स्टार स्टडेड टीम तो एनीवन कैन विन बट लाइक आई सेड जो इंडियन 10 मीटर एयर राइफल की इवेंट है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कोई उसमें से कोई भी किसी भी दिन मेडल जीत सकता है क्योंकि अभी तक फाइनल टीम डिसाइड नहीं हुआ है तो नाम लेना उचित नहीं होगा लेकिन ज़रूर मैं ये 1 और 10 मीटर एयर पिस्टल मेन है जहाँ पर दोनों भी हमारे कंटेंडर वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप रह चुके हैं कई बार तो मैं कहूँगी ये 2-3 इवेंट में बहुत उम्मीद है मुझे. टॉकिंग अबाउट हर जूनियर टीम मेंबर्स शी सेड मैं जूनियर राइफल टीम की हाई परफॉर्मेंस कोच हूँ और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मेरे जूनियर नेशनल स्क्वाड के 3 मेंबर्स सीनियर टीम में हैं जिन्होंने ओलंपिक कोटा जीता है. दिव्यांश सिंह पनवर है जो बहुत ही हाई स्कोर्स मार कर चल रहे हैं आजकल और उन्होंने ISSF का गोल्डन टारगेट अवार्ड भी जीता है. 11L है जो जिसने फिर से ISSF का गोल्डन टारगेट अवार्ड जीता है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है वर्ल्ड कप फाइनल्स भी जीता है तो ये जो हमारे मेंबर्स हैं जूनियर स्क्वाड के तो उनके ये परफॉर्मेंस को देख के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है.